हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाला है अल्टीग्रेड रिजल्ट नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी और सामाजिक विज्ञान और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाला है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अल्टीग्रेड वाले फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आयोग रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में पूरी अपडेट। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड रिजल्ट देने का बड़ा दबाव। यूबीपीएससी के खुलते ही एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चे ने अध्यक्ष से मिलने के लिए मांगा समय। नौकरी नहीं मिली तो मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार है एलटी ग्रेड वाले। दो विषयों का रिजल्ट फंसा हुआ है और 13 विषयों के चयनितों की नियुक्ति भी अटकी हुई है। तो गाइज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का कार्यालय खुलते ही अफसरों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का लंबित परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है। वही अभ्यर्थियों ने शासन पर भी चयनितों की नियुक्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लगातार ट्वीट किया जा रहे हैं, साथ ही ईमेल के माध्यम से भी मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से भी बुधवार को मिलने के लिए समय मांगा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन को 2 साल पूरे हो जाएंगे। यह परीक्षा 29 जनवरी 2018 को आयोजित की गई थी। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा में प्रदेश भर के तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से आयोग ने अब तक इन दोनों विषयों का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। और सबसे अधिक पद इन्हीं दोनों विषयों के हैं। हिंदी और एलटी ग्रेड शिक्षक के 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं। आयोग की ओर से बाकी 13 विषयों में अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है और इनमें से 4 विषयों की नियुक्ति अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संतुष्टि भी शासन को भेजी जा चुकी है। पेपर लीक मामले की जाँच कर रही एसटीएफ ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया और इसी वजह से हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम को लेकर निर्णय अटका हुआ है। माना जा रहा है इस विवाद के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है और नौकरी नहीं मिली तो मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार है। एलटी ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र लिखकर मांग की है कि एलटी ग्रेड चयनित अभ्यर्थियों से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन अध्यापक कार्य कराने के लिए गाइडलाइन जारी करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बावजूद भले ही शासन ने अब तक उन्हें नियुक्ति न दी हो, लेकिन वे संकट के इस दौर में प्रवेश की सेवा मुफ्त में करने को तैयार हैं। तो गाइस, ये थी अपडेट एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान रिजल्ट को लेकर और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसी कारणवश हम आपको सुबह वीडियो नहीं दे पाए, तो इसलिए सोचा आपको अपडेट करा दिया जाए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अच्छी लगे वीडियो लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।